are going to see our next chapter in grammar, that is lesson number 15, has and had. ओके इसके पहले हमने वॉज एंड वर देखा था. क्या देखा था हमने? वॉज एंड वर. इज एंड आर ऑल आर द वर्ब फॉर्म्स विच वी यूज विद द सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन टू शो द एक्शन इन द प्रेजेंट टेंस. जब हमें प्रेजेंट टेंस में कुछ बतानी है एक्शन, तो हम लोग इज एंड आर ये यूज करते हैं. ठीक है, पास्ट टेंस में अगर कुछ बतानी है तो क्या यूज किया था हमने? वॉज और वर. अब हमें जब पोजिशन दिखाना है, बिलोंगिंग दिखाना है, ये चीज किसको बिलोंग करती है ना. बिलोंगिंग मतलब क्या? वो चीज उसकी है, दैट इज कॉल्ड पोजिशन. ओके, इट शो द पोजिशन. जब हमें किसी चीज के पोजिशन दिखाना है नाउन के साथ में, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? हैज और हैव. हैज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ में बिलोंगिंग दिखाता है. किसके साथ में? सिंगुलर के साथ में. और हैव के साथ में यूज होता है प्लूरल के साथ में. देखो बच्चों, इज एंड आर ये वाले वर्ड हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, जो कि अभी हमें हो रहा है या है. ओके, वॉज और वर पास्ट टेंस, जो एक्शन हो चुकी है. ठीक है, हैज इज यूज विद सिंगुलर नाउन्स. सिंगुलर नाउन के साथ में हैज यूज होता है जब हमें किसी की बिलोंगिंग या पोजिशन दिखाना है. और हैव इज यूज विद प्लूरल नाउन्स. हैव का के साथ यूज होता है? यस, प्लूरल नाउन के साथ. डू यू हैव अ पेंसिल? यस, आई हैव पेंसिल. I have a puppy at my home. She has a long hair. Okay? तो हम लोग जिस तरह बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बता रहे हैं? Belonging. मतलब उसके पास में ये चीज है या नहीं है वो हम लोग इसे पता चलता है. Mary has a book. A book. A book is a singular noun. तो noun और Mary ये हम लोगों ने दो ये भी एक सिंगुलर नाउन है और बुक भी सिंगुलर नाउन है. व्हाट यू विल यूज हियर? एच ए एस हैज. हैव कब यूज होता है? जब हम लोग प्लूरल के बारे में बात करते हैं. काय के बारे में बात करते हैं? प्लूरल. आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. मैनी फ्रेंड्स नो, इट इज प्लूरल. तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई हैव. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे हमारे टेक्स्ट बुक में. नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज इन अवर टेक्स्ट बुक. सी द पेज नंबर 84, लेसन नंबर 15, हैज एंड हैव. यू नो वर्ब्स कैन बी यूज्ड टू शो बिलोंगिंग और पोजेशन. इज, एम एंड आर वर्ब्स यूज्ड टू शो द शो बीइंग इन प्रेजेंट टाइम. Was and were are used to show being in past time. Okay. अब देखो बच्चो, is और am ये singular के साथ में use होते हैं, are plural के साथ होता है और you के साथ होता है. ठीक है, was singular के साथ use होता है और were plural के साथ use होता है, but in past tense. Past tense में हमें अगर बात करनी है. ठीक है, now you'll see the exercise. Fill in the following blanks with the correct being form, being verbs is, am, are, was and were. Okay, my name is Pritha. Okay, my name is Pritha. Gandhiji was a good man. Okay, अब ये गुजर चुके हैं. वो थे मतलब हम लोग पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं और ये सिंगुलर है और पास्ट है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वॉज. गिरी एंड प्रिया, ओके, ये दोनों भी है तो ये क्या हो गए? प्लूरल है ना, तो दोनों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे हम लोग? ए आर ई आर. ऋषि एंड हिज फ्रेंड अरुण were 5 years old last year.
हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. लास्ट ईयर मतलब क्या हो गया? पास्ट टेंस. ओके. और प्लूरल है मतलब हम लोग उनके दोनों के बारे में और उसके फ्रेंड्स के बारे में, मतलब हम एक से ज्यादा के बारे में जब बात कर रहे हैं और पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? वर. आई के साथ हमेशा ए एम एम यूज होता है, ये तो आपको पता ही है ना बच्चों? लेट्स लर्न हैज एंड हैव आर यूज शोज बिलोंगिंग और पोजेशन इन द प्रेजेंट. हैज कभी भी सिंगुलर के साथ यूज होता है और हैव प्लूरल के साथ यूज होता है. मेरे पास ये चीज है मतलब ये मेरी चीज है और ये मेरी चीज मेरे पास है, इसको बोलेंगे हम लोग बिलोंगिंग. हैज और हैव का यूज होता है वहां पर. माय सिस्टर हैज अ न्यू डॉल. ओके, मेरी सिस्टर के पास नई डॉल है. सिस्टर इज अ सिंगुलर नाउन एंड द डॉल इज ऑल्सो अ सिंगुलर नाउन. वी आर यूजिंग हियर हैज. मंकीज हैव टेल्स. मंकीज प्लूरल. ओके, तो यहां पर हम लोग हैव यूज कर रहे हैं. आई के साथ कभी भी हैव यूज होता है, आई हैज नहीं होता है. आई हैज नहीं होता है ना कभी भी. आई हैव अ पपी एट होम. यू ऑल्सो हैव अ पपी. आई और यू के साथ हैव यूज होता है. नाउ सी द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 85. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पिक्चर एज क्लूज. Then choose has or have to complete the sentence. अब यहाँ पर कुछ pictures दिए हैं, इसे हमें as a clue use करना है. Clue मतलब इसके हमें इसे पहचान कर उसे हमने नाम लिखना है उसे. ओ क्या है ये? Beer. Okay. So हम लोग क्या बोलेंगे? A beer has thick fur. अब यहाँ पर ये singular है तो हम लोग क्या use कर रहे हैं? HAS has. ये देखो ये बहुत सारे बटरफ्लाईज है. यस, सो बटरफ्लाईज हैव कलरफुल विंग्स. द गर्ल हैज लॉन्ग हेयर. ओके, दिस इज अ सिंगुलर नाउन सो व्हाट वी विल यूज? हैज. काउज. अब यहां पर देखो प्लूरल में हम लोग क्या लिखेंगे? काउज. काउज हैव हॉर्न्स. Fill in the blanks with has and have to make complete sentence. Mary has a book. I have many friends. Shiv has a new bicycle. Roshan has 5 pencils. Giraffes have long necks. Do you have warm clothes? अब देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला था यू के साथ हैव यूज होता है. जिराफ प्लूरल है तो हैव यूज हो रहा है. रोशन इज अ सिंगुलर नाउन सो हम लोग यहाँ पर हैज यूज कर रहे हैं. शिव हैज. आई हैव. आई और यू के साथ हैव यूज होता है. मैरी हैज. ओके, इट इज अ सिंगुलर नाउन. ऑन पेज नंबर 86 some fun tasks has been given here. यहाँ पर कुछ गलत words यहाँ पर use किए गए. जैसे अब यहाँ पर क्या है? Giraffe है. Giraffe singular है. A giraffe have seeds inside. Okay. So हम लोग ये हमें ये देखना है कि ये जो half part है और ये half part है, ये दोनों match हो रहे हैं क्या? नहीं. तो हमें पहले इसमें से सही match करना है. जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको सही मैच करना है और फिर हमें उसको वापस से यहाँ पर रीराइट करना है. ठीक है. सो अ जिराफ. जिराफ को क्या होता है? लॉन्ग नेक. ओके, कैमल हो गया. कैमल हैज हम्प्स. माय फ्रेंड हैज अ बिग प्लेग्राउंड. ओके, सो इस तरह हमें सही पहले तो हमें सही मैच करना है. जैसे क्लासरूम, ब्लैकबोर्ड्स, द पार्क. ओके, इस तरह हमें इनका जो सही क्लूज दिए हुए हैं, जो हाफ पार्ट ये है हाफ पार्ट ये है, तो हमें उसको पहले मैच करना है.
ठीक है, और मैच करने के बाद हमें उसे सही तरीके से यहाँ पर लिखना है। जैसे कि अ जिराफ हैज सीड्स इनसाइड, ओके, तो एप्पल्स को सीड्स होते हैं, जिराफ को सीड्स होते हैं क्या? नहीं। तो जिराफ को क्या होता है? लॉन्ग नेक। तो इस तरह हमें सही ज्वाइनिंग करके यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको होमवर्क करना है। बाय।